हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफल अस्बा, वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपके चैप्टर का नेम है द ओपन विंडो। तो चलिए आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 57 पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई हैड फ्रैंकलिन नटेल कम टू द रूरल रिट्रीट। यानी फ्रैंकलिन नटेल अपनी सिटी को छोड़कर क्यों एक गांव में या विलेज में गए थे। तो हमें पता है बच्चों, फ्रैंकलिन नटेल को एक बीमारी थी, दिमाग की बीमारी, यानी उन्हें एंजाइटी टेंशन होती है बहुत ज्यादा, उनके नर्व्स जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। तो उन्हें ये बीमारी थी और उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी अपनी सिटी में। तो इसी को कम करने के लिए, अपना इलाज करने के लिए वो कहां पर जाते हैं, एक विलेज में, एक रूरल एरिया में जाते हैं, गांव देहात वगैरह में, कि शायद उनकी बीमारी ठीक हो जाए, ये सोचकर वो वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है, फ्रैंकलिन नटेल वाज सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस डिसऑर्डर एंड वरी, सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज इन सम विलेज एंड रिलैक्स इन पीस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर। यानी उनकी बहन ने कुछ लोगों के बारे में, जो वहां पर वो जानती थी विलेज में, जिन लोगों के बारे में वो जानती थी, तो वो क्यों लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया फ्रैंकलिन नटेल को। His sister knew that Frampton would meet very few people in the countryside. He would feel lonely and bored. अब वो जानती थी कि जब Frampton Nuttall वहाँ पर जाएंगे विलेज में, तो उनको बहुत लोनली फील होगा, अकेलापन महसूस होगा और उनकी जो बीमारी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो कुछ लोगों के बारे में बताती हैं जिनको वो जानती थी, पहले वो वहीं पर रहती थी और कुछ लोगों को वो वहाँ पर जानती थी, तो इसीलिए वो उनके बारे में फ्रैंकलिन नटेल को बताती है ताकि वो भी वहाँ पर उनके घर जाए और थोड़ा उन्हें अच्छा महसूस हो। हिज कंडीशन कुड ग्रो वर्स, सो शी गेव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल पीपल शी न्यू देयर। वन वॉज एड्रेस टू मिसेस सेपल्टन, और उनमें से एक कौन थी, मिसेस सेपल्टन थी, जिनके घर फ्रैंकलिन नटेल जाते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉट हैड हैपेंड इन द सेपल्टन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीज। अब मिसेस सेपल्टन की एक भतीजी होती है नीज, जिसका नाम होता है वीरा, जो कि 15 साल की होती है। तो वो फ्रैंकलिन नटेल जब उनके घर पर जाते हैं मिसेस सेपल्टन के, तो बच्ची उन्हें मिलती है। ठीक है, और मिसेस सेपल्टन तो ऊपर काम कर रही होती है, तो जितनी देर में मिसेस सेपल्टन नीचे आती है, उतने में जो वो बच्ची वीरा होती है, तो फ्रैंकलिन नटेल को वो एक स्टोरी, एक घटना के बारे में बताती है जो कि मिसेस सेपल्टन के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुई होती है। तो वो किस घटना के बारे में बताती है, द नीज प्लेड एन प्रैक्टिकल जोक ऑन सेपल्टन व्हेन शी केम टू नो दैट ही वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर। अब मैं बताया बच्चों के वो जो बच्ची है उसने सिर्फ मजाक किया था, एक जोक मारा था, प्रैक्टिकल जोक मारा था, किसके साथ, फ्रैंकलिन नटेल के साथ, क्योंकि वो जान गई थी वो बच्ची के ये जो फ्रैंकलिन नटेल है वो मिसेस सेपल्टन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो टोटल स्ट्रेंजर है। शी सेड दैट हर आंट्स हस्बैंड, टू ब्रदर्स एंड अ डॉग हैड गॉन फॉर हंटिंग थ्रू द विंडो 3 years अगो, दे नेवर रिटर्न, बट द आंट वॉज स्टिल होपिंग टू सी देम बैक थ्रू द ओपन विंडो। अब क्या वो नरेट करती है स्टोरी, क्या वो अपनी तरफ से बनाती है स्टोरी और फ्रैंकलिन नटेल को बताती है कि 3 साल पहले इसी विंडो से जो मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड थे और उनके जो 2 भाई थे और उनके साथ एक डॉग था, वो सब हंटिंग के लिए गए थे, यानी शिकार के लिए गए थे, और वो कभी वापस नहीं आए और एक दलदल में वो फंस गए और वहाँ से वो कभी वापस नहीं आए, ना ही उनकी बॉडी जो है मिली है अभी तक। और मेरी जो आंटी है वो हमेशा ये होप करती है कि वो वापस ज़रूर आएंगे इसी विंडो से। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 60 पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिसेस सेपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो। अब बच्ची तो वीरा तो ये सारी घटना के बारे में बता देती है जो कि झूठ बताती है, वो सिर्फ एक जोक मारती है। अब लेकिन मिसेस सेपल्टन जब ऊपर से आती है नीचे, तो क्या वो उस ओपन विंडो के बारे में क्या बोलती हैं। मिसेस सेपल्टन सेड दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स वुड बी एंटरिंग द हाउस एनी टाइम। अब मिसेस सेपल्टन बोलती है कि उनके हस्बैंड कभी भी जो है इस खिड़की से जो है एंटर हो सकते हैं घर में, और जो मेरा भाई है, द विंडो वॉज केप्ट ओपन टिल इट वॉज डार्क, और मैं शाम तक इस खिड़की को मतलब खोल के रखती हूँ, दे वुड एंटर थ्रू द ओपन विंडो, और वो हमेशा इसी खिड़की से एंटर होते हैं और वो शूटिंग के लिए गए, तो वो ये सब बताती है। क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन है, द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रैंकलिन स्विंग अराउंड इन हिज सीट, व्हाट डिड ही सी। अब फ्रैंकलिन नटेल जब बच्ची का फेस देखते हैं, वीरा की तरफ जब मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत डर दिखाई देता है फ्रैंकलिन नटेल को, और वो बच्ची कहाँ पर देख रही थी वीरा, वो खिड़की की तरफ देख रही थी। तो फ्रैंकलिन नटेल जब उस बच्ची को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो बच्ची बहुत डरी हुई है, तो वो भी खिड़की की तरफ देखने लगते हैं कि ऐसा क्या देख लिया इस बच्ची ने कि वो बहुत डर गई है। तो वो भी फ्रैंकलिन नटेल भी पीछे मुड़ के देखता है, तो क्या दिखाई देता है बच्चों, वही उनके हस्बैंड आ रहे हैं, और डार्क बिल्कुल शाम का वक्त हो चुका है, और वहां से 3 जो है वो परछाइयां दिखाई दे रही हैं, 2 उनके भाई मिसेस सेपल्टन के और उनके हस्बैंड आ रहे हैं, और डॉग साथ में आ रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं फ्रैंकलिन नटेल, और वो तो वहां से भाग जाते हैं। तो मिसेस सेपल्टन सेड दैट, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2,
Saturn swung around to know the reason for the girl's horror. Soon he saw three figures coming towards the window. अब उन्हें तीन figures दिखाई देती है जो कि window की तरफ ही आ रही थी. ठीक है, अब comprehension check page number 61 पर दिया गया आपको question number 1. Why did Frampton rush out wildly? अब इतनी तेजी से वो क्यों भागते हैं? Because the niece had told Natil that her aunt's husband and brothers had been missing for 3 years. When Frampton saw them coming, he thought they were ghosts. So he rushed out wildly in fear. यानी फ्रैम्पटन नेटिल को तो ये पता आया था ना वीरा ने कि जो उनके हस्बैंड थे मिसेस एपल्टन के, वो तो 3 साल पहले ही जो है ना वो गुम हो गए थे और वो वापस नहीं आए. लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वो वापस आ रहे हैं तो उनको देख के वो बहुत तेजी से वहाँ से भागते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिट? अब बच्ची क्या एक्सप्लेनेशन देती है, वो वीरा क्या एक्सप्लेनेशन देती है, उनके भागने का क्या रीजन बताती है घर वालों को? तो वो बताती है कि फ्रैम्पटन नेटिल ने मुझे बताया था कि वो जो है ना उन्हें डॉग से बहुत डर लगता है, तो इसीलिए वो जो है ना वो भाग गए हैं. तो ये सारी चीज़ें वो वीरा किसको बताती है? अपने मिसेस सेपल्टन को और उनके हस्बैंड को. वो जो पूछते हैं मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड के वो क्यों इतनी तेज़ी से भागा था, वो जो आदमी अभी गया है, तो मिसेस सेपल्टन बताती बहुत ही अजीब आदमी था, पता नहीं क्यों इतनी तेज़ी से भागा है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत को देख लिया हो. तो वीरा वहाँ से बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वो क्यों भागे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो डॉग से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो ये चीज़ उसने बच्ची ने बताई. द गर्ल एक्सप्लेन दैट फ्रैम्पटन हैड अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द डॉग, सो ही मेड अ सडन एग्जिट ऑन सीइंग द डॉग. तो जैसे ही उसने स्पैनियल डॉग को देखा वैसे ही वो वहाँ से भाग गए. तो ये सारी चीज़ें ये भी एक झूठी स्टोरी बना के अपनी तरफ से वीरा ने बताई थी किसको? मिसेस सेपल्टन और उनके हस्बैंड को. एक्सरसाइज पेज 61, क्वेश्चन नंबर 1 है, इज दिस अ मिस्ट्री स्टोरी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. हमें पता है बच्चों कि मिस्ट्री स्टोरी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें सच पता है स्टोरी का कि ये एक मिस्ट्री, जिसमें मतलब मिस्ट्री की स्टोरी क्या होती है, जिसमें मतलब कोई रहस्य छुपा हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है. हमें पता है कि वीरा झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो द ओपन विंडो इज नॉट ट्रूली अ मिस्ट्री स्टोरी, इट शोज द फर्टाइल इमेजिनेशन ऑफ अ यंग गर्ल. बस इसमें क्या शो करा जा रहा है कि एक बच्ची की इमेजिनेशन कितनी अच्छी है कि वो एक मतलब अचानक से एक स्टोरी बना ली उसने. शी प्लेस अ प्रैक्टिकल जोक ऑन फ्रैम्पटन, कि उसने सिर्फ जोक किया है फ्रैम्पटन नटेल पर एंड टेल्स अ कुक्ड अप स्टोरी. मतलब उसने एक स्टोरी बना के सुनाई है फ्रैम्पटन नटेल को भी और मिसेस सेपल्टन को भी. पुअर फ्रैम्पटन फॉल्स अ प्रे टू हर प्रैंक एंड रन्स आउट ऑफ द हाउस हरिडली. क्वेश्चन नंबर 2, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन अ स्टोरी, रिमेंबर द कोप एंड द एंथम इन क्लास सेवन्थ सप्लीमेंट्री रीडर, विच सिचुएशन इन द ओपन विंडो आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ आयरनी. अब जो आयरनी का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसा हमने सोचा होता है, मतलब हमें लगता है कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल उससे अलग ही चीज़ हो जाती है. यानी हमें तो ऐसा लग रहा होगा ना जब स्टोरी पढ़ रहे थे कि कुछ भूत वगैरह ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम से स्टोरी जो है वो कॉन्ट्रास्ट हो गई, तो इसको ही आयरनी कहते हैं. तो इसी तरह की कुछ हमने 7th क्लास में भी जो है ना स्टोरी पढ़ी थी, द कोप एंड द एंथम की स्टोरी हमने पढ़ी थी 7th क्लास में. ठीक है, तो ये थोड़ी मिलती जुलती थी. तो आयरनी रेफर्स टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वॉट इज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड एंड वॉट एक्चुअली अकर्स. द ओपन विंडो हैज आयरनी ऑफ सिचुएशन, पुअर फ्रैम्पटन गोज टू कंट्री साइड फॉर रेस्ट एंड रिलीफ फ्रॉम हिज नर्वसनेस, बट मिसेस सेपल्टन्स नीज प्लेस सच अ जोक दैट ही सडनली रशेस आउट. ही मिस्टेक्स मिसेस सेपल्टन्स हस्बैंड एंड ब्रदर्स एज देयर गोस्ट. मतलब आए तो थे फ्रैम्पटन अपनी कंट्री साइड, क्यों आए थे? वो रेस्ट के लिए, रिलीफ के लिए, उनकी नर्वसनेस के लिए आए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया था. उनके साथ एक जोक, एक प्रैंक कर दिया था किसने? वीरा ने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्रेजेस सेंटेंसेज इन द टेक्स्ट डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सेलेक्ट अ फ्यू एंड गेस द मीनिंग ऑफ ईच, री राइट अ सिंपल फ्रेजेस ऑफ ईच. अब इसमें जो आपको फ्रेजेस और सेंटेंस बहुत मुश्किल लगे वो आपको लिखने हैं और उन्हें समझना है. ठीक है, तो ये है आपका केम इन टू द नाइस डिवीजन. अब केम इन टू द नाइस डिवीजन का मीनिंग द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल, यानी केम इन टू द नाइस डिवीजन. ये हमने पढ़ा था कि जब फ्रैम्पटन नटेल की बहन जो है वो दो लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन देती है, एक तो उस कैटेगरी के जिन्हें वो ज़्यादा अच्छे लोग नहीं थे, यानी जो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आए थे कंट्री साइड में, और एक वो थे जो अच्छे थे. तो दो कैटेगरी थी, तो तब आया था ये केम इन टू द नाइस डिवीजन. और इसका मतलब क्या है? द कैटेगरी ऑफ द नाइस पीपल. मैस्कुलिन हैबिटेशन, यानी कुछ ऐसी आदतें जो मर्दों में होती हैं. ठीक है, जैसे कि द रूम सीम टू सजेस्ट दैट देयर लिव्ड सम मेल पर्सन देयर. यानी जब फ्रैम्पटन नटेल मिसेस सेपल्टन के घर पर गए थे तो उनका रूम कैसा लग रहा था? कि यहाँ पर कोई आदमी रहता है. ठीक है, बर्टी वाई डू यू बाउंड. अब इसका मीनिंग क्या है? बर्टी वाई डू यू बाउंड. बाउंड मीन्स जम्प. बाउंड मीन्स यानी जम्प, कूदना. बट हियर इट मीन्स अ पर्सन हुज बिहेवियर इज
अनप्लीजेंट टू अदर पीपल। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि इट मीन्स अ पर्सन हुज बिहेवियर इज अनप्लीजेंट, एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा ना हो दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, ठीक है। और बाकी ये मोर क्वेश्चन सॉल्व और बाकी क्वेश्चन से आपके पेपर में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों, ये आपके लॉन्ग आंसर हैं, आप चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।